आपका एक्टिव थिंकिंग आपको आगे लेके जाएगा। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग जो है हमारे पास में आते रहते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत विचार आते हैं और विचार बहुत निगेटिव रहते हैं, उसको उसके लिए क्या करें। मतलब विचार दिमाग में आना ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। 50,000 से 60,000 थॉट्स दिमाग में 24 घंटे में मतलब या रोज आते रहते हैं। और 50,000 से 60,000 थॉट्स यदि दिमाग में रोज आ रहे हैं, कोई भी एक एवरेज इंसान के दिमाग में आ रहे विचार, वो सब पैसिव विचार है। पैसिव मतलब उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आप आंखें बंद करके बैठ भी गए तभी भी विचार आना चालू रहेंगे कंटिन्यूसली। आप किससे बात भी कर रहे हैं तो अंदर विचार आना चालू है, कुछ ना कुछ विचार चालू है बैकग्राउंड में, कुछ ना कुछ आवाज़ चालू है बैकग्राउंड में। तो वो एक्चुअली उसको बोलते हैं थॉटिंग। थॉटिंग मतलब थॉट आ रहे और वो ऑटोमेटिक है, वो पैसिव थिंकिंग है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो आते रहते हैं। और ऐसे कितने सारे विचार है कि जो विचारों के ऊपर मुझे करना भी कुछ नहीं है, मुझे करना भी कुछ नहीं है, मगर ऐसे कुछ विचार रहते हैं कि जो विचारों के ऊपर मुझे कुछ करने की इच्छा है, कुछ पूर्ति करने की इच्छा है। तो वो यदि मैं विचार पकड़ लेता हूँ कि हाँ ये विचार है ना, चलो इसके ऊपर मैं कृति कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूँ, ये मेरे फायदे का विचार आ गया दिमाग में, तो उसको कैप्चर करना है। और वो कैप्चर आप करते हैं टूर में, लाइक मोबाइल में कैलेंडर में या मोबाइल में एक वॉइस रिकॉर्डिंग आप करते हैं कि मुझे ये दिमाग में विचार आया या मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। 50,000 से 60,000 थॉट में कुछ काम के जो विचार है, वो विचार यदि आते हैं उसको आप पकड़ लेते हैं और वो नोट डाउन करते हैं, बहुत अच्छा होगा। जिसके ऊपर मुझे कृति करना है वो विचार, अब मुझे ऐसा, मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मुझे ऐसा है कि एक दोस्त है मेरा, उससे मैंने बहुत दिन से बात नहीं किया, मेरे को बात करने की, ऐसा विचार आ गया, मैंने क्या करना चाहिए, तुरंत वो विचार को पकड़ना चाहिए। मेरे पास में कोई टूल रहेगा, मोबाइल कैलेंडर है, वॉइस रिकॉर्डर है, उसमें डाल देना चाहिए कि मुझे ये काम करने का है, विचार आ गया हो कि फलाने फलाने दोस्त को मेरे को मिलने का है या उससे बात करने की है, उसको भी मैसेज देने का है, वो कैप्चर करने का है। तो ये हो गया जो विचार 50,000 से 60,000 थॉट्स जो पैसिव आ रहे उसमें के जो काम के विचार है उनको पकड़ना, उसको नोट डाउन कर लेना और बाद में उसके ऊपर एक्टिव थिंकिंग करना। और एक्टिव थिंकिंग मतलब क्या है कि जानबूझकर कोई विचार हो जो एक्टिव है, जो जिनके ऊपर आपको कृति करनी है वो पकड़ो, आराम से बैठो, हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा दो घंटे जितना भी समय आपको बैठना है बैठ जाओ और उसके ऊपर सोचो कि इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये जो विचार है ये विचार मेरे ज़िंदगी में आगे मुझे कैसा लेकर जाएगा, ये जो विचार है ये विचार के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि समझो आप बैठे कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाने का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट में बहुत मंदी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, आप क्या करना है, एक्टिव थिंकिंग चालू करना है। एक्टिव थिंकिंग मतलब वो विचार लेके बैठो और फिर सोचो एक्टिवली कि अभी मैं क्या ऐसा करूं, ऐसे कौन से 50 काम करूं मैं, ऐसी कौन सी 50 बातें मैं करूं कि जिससे जो मंदी चालू है मार्केट में उसके ऊपर मैं काबू कर सकूं या उसके ऊपर मैं विजय हासिल कर सकूं। तो जो एक्टिव थिंकिंग करते हैं वो कितना भी समय चल जाता है, एक्टिवली यू आर थिंकिंग, एक्टिवली यू आर प्लानिंग, जानबूझकर आप एक विचार लेके और उस समय फिर बाकी कोई भी विचार नहीं करने का, कुछ भी विचार बाकी आ गया तो वो नहीं विचार करने का, सिर्फ एक और एक और एक ही विचार लेके बैठना है कि मेरे को धंधा जो है उसमें जो मंदी है उसके ऊपर मैंने क्या करना चाहिए। आपने समझो देखा कि नहीं मेरे बच्चों को पढ़ाने का है तो मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन मुझे देने का है, ऐसा विचार मुझे आया, अभी उसके ऊपर लेके बैठो कि मैंने क्या क्या करना चाहिए, उसको कहाँ लेके जाना चाहिए, उसको फाइनेंस लगेगा वो कहाँ से करना चाहिए, ऐसे पूरे विचार लिख के रखो, प्लानिंग बन जाएगा, प्लानिंग बनेगा तो आप उसके बाद में एक्शन ले सकोगे। तो पैसिव थिंकिंग जो है उसमें कुछ मजा नहीं है, क्योंकि पैसिव थिंकिंग कुछ भी आ सकता है और वो हमारा काम का भी नहीं है। मुझे विचार आ सकता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए इंडिया का, आ गया विचार, विचार आ गया, उसको कौन क्या कर सकता है, उसको मैं बोलता हूँ कि ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, ATM है वो ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, वो ऑटोमेटिक थॉट प्रोड्यूस करती जाती है। मुझे मालूम है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर विचार आ गया मगर मुझे बनने का नहीं, मुझे कुछ करने का भी नहीं, उसके विचार आ गया है तो उसको थैंक यू बोल के बाजू में रख दूँ, उसका कुछ नहीं करने का है। मगर मुझे ये विचार आ गया कि मेरे दोस्त से बात करनी है या मैंने अब फलाने फलाने आदमी को मैंने 10,000 रुपये दिए थे, बहुत दिन से ये मुझे वापस नहीं कर रहा है, अब उसके साथ में बातचीत करके वो कब वापस करेंगे उसके बारे में प्लान बनाऊंगा, ये विचार आ गया तो तुरंत पकड़ो रखो, आपको जब टाइम मिलेगा उसके ऊपर फिर डिटेल प्लानिंग करो, एक्टिव थिंकिंग करो और उसके ऊपर
काम करना चालू कर दो। तो ये आप करेंगे पैसिव थिंकिंग वर्सेस एक्टिव थिंकिंग, तो डेफिनेटली आपका कमिटमेंट वो काम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो काम के प्रति कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। और एक बार सफलता मिलना शुरू होती है ना कोई काम में, थोड़ी थोड़ी सफलता, तो आदमी फिर और उसको जोश आता है और वो और काम करते रहता है, फिर और सफलता मिलती है और काम करता है और फिर सफलता के आखिर तक पहुंच जाता है वो। तो ये आप करेंगे कि भाई पैसिव थिंकिंग के बदले एक्टिव थिंकिंग करो, और एक्टिव थिंकिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का है वो करेंगे तो जिंदगी में पीछे देखने का काम ही नहीं पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।